हेलो डियर स्टूडेंट, मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम केवीएस के पीजीटी फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में हुआ था, 7 जनवरी 2017 को। तो हर एक क्वेश्चन की एक अलग वीडियो होगी और उसके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट आपको दी जाएगी जिसमें सभी क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई फ्रॉम मोस्ट स्टेबल पोजिशन टू मोस्ट अनस्टेबल पोजिशन। तो देखो, इसमें हमें वर्कडन निकालना है। वर्कडन का फॉर्मूला होता है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लेकिन इससे पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं, स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है। सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें कोई डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। तो अब स्टेबल और अनस्टेबल पोजिशन क्या होती है? तो स्टेबल पोजीशन का मतलब यह है कि जो डायपोल मोमेंट, देखो पहले मैं आपको यह बता देता हूँ, डायपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन, जहाँ पर वो चार्ज आसपास में मतलब बहुत पास रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको डायपोल बोलते हैं। और डायपोल मोमेंट क्या होता है? तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू में 2a। और ये डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। इसके अलावा अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगी, जबकि कोई नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगती है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। इतनी चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पर स्टेबल का मतलब ये हो गया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज मैं जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, तो डायपोल हमारा कुछ इस तरह से लाइन होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पोजीशन स्टेबल पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि जैसा नेचर में होता है वैसे ये चार्ज आपस में अलाइंड है। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, तो डायपोल मोमेंट भी इसी तरफ हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे इसी तरफ है। तो मोस्ट स्टेबल के लिए जो हम थीटा 1 लेंगे, थीटा लेंगे, एंगल लेंगे मोस्ट स्टेबल पोजिशन के लिए, वो होगा 0 डिग्री। अब ये अनस्टेबल क्या होता है? तो देखो, अनस्टेबल में इससे ठीक अपोजिट या कह लो कि एंटी पैरेलल कंडीशन आ जाएगी। कैसे? इस बार ये होगा कि नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर होगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि इस तरफ तो डायपोल मोमेंट हो गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जिस जस्ट इसके एंटी पैरेलल, यानी कि यहाँ पर अनस्टेबल में जो थीटा होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। वैसे अनस्टेबल जब ये पार्टिकल डायपोल होता है तो जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये एंटी पैरेलल होगी, और जब स्टेबल पोजीशन होती है तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों की सेम होती है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं एंगल्स की। तो पी ई, पी मतलब डायपोल मोमेंट, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, कोस थीटा 1 कितना है हमारे पास, 0 डिग्री, माइनस कोस थीटा 2 कितना है, 180 डिग्री। अभी साइड में मैं आपको बता देता हूँ, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और कोस 180 की वैल्यू होती है -1। तो इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे तो वर्क डन आएगा पी ई 1 और माइनस -1 कोस 180 की वैल्यू, सो इट विल बी इक्वल टू पी माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी इक्वल टू 2। तो वर्क डन हमारा आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पी ई। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो देखो, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन इतनी सारी चीज़ें भी आपको जानना आवश्यक है, हो सकता है इसी से कुछ चीज़ें कंसेप्ट बन जाए या क्वेश्चन पूछ ले जाए।